हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। भव्य देवी की पांचों बहुएं हॉल में अपना सारा काम खत्म करके बातें कर रही थी, तभी छत से उन्हें धमधम की आवाज आती है और हॉल का सारा सामान हिलने लगता है। तो बड़ी बहू संजना एक कोने में सिकुड़ी हुई कहती है, लगता है भूकंप आया है। अरे खड़ी क्या हो तुम सब भी एक कोना पकड़ लो। लेकिन ये आवाज तो छत से आ रही है, भूकंप क्या छत से आ रहा है? अब आवाज और तेज हो जाती है, तभी सबकी नजरें छत की ओर जाने वाली सीढ़ियों पर जाती है, जहाँ से उन पांचों की हट्टी कट्टी मोटी सास भवरी देवी नीचे आती है और उसे देखकर चौथी बहू रागिनी कहती है, भूकंप आ नहीं रहा है, भूकंप आ रही है। सासू माँ का चलना भी ना किसी भूचाल के आने जैसा ही है। क्यों भाई, पांच सूखी डंडियों, हॉल में क्या पंचायत लगाई हुई है? घर के सारे काम निपट गए क्या? अरे बड़ी बहू तू कोने में क्यों सिकड़ी हुई है? सासू माँ कितनी बार कहा है अपने भारी भरकम पैरों को लेकर आराम से फर्श पर चला कीजिए, पर नहीं, आपको तो पैर पटक पटक कर चलना होता है। आप कोई फूल कुमारी नहीं है, एक पैर पटकती है ना तो हॉल का सारा सामान हिलने लगता है। बिल्कुल सही सासू माँ, अपने वजन का भी कुछ ख्याल रखा करो, दिन पर दिन और मोटी होती जा रही हो आप। ओ कुपोषितो, इसे मोटा होना नहीं खाते पीते घर का होना कहते हैं, खा पी कर ही मजबूत शरीर है मेरा। अरे कुछ सीखो अपनी सास से और अपना शरीर बनाओ, ये पतला पतला शरीर लेकर कौन सी मॉडल बनने जाना है तुम पांचों ने? सासू माँ कुपोषित ही सही, आपकी तरह हम पांचों हद से ज्यादा फैली तो नहीं है। आप कहीं भी जाती हो तो सबसे पहले आपका वहाँ पर पेट पहुँच जाता है, मतलब इतना मोटा होना कोई अच्छी बात है क्या? अरे तो क्या, तुम पांचों जैसे सूख कर कांटा हो जाऊं और शर्म नहीं आती अपनी सास को मोटा कहते हुए? अपने पतले पर ध्यान दो, मेरे मोटापे पर नहीं। आई बड़ी ज्ञान देने वाली। तभी भवरी देवी वहां से चली जाती है। कुछ ऐसी ही बहस इस घर में कुछ दिनों पर होती ही रहती थी। होती भी क्यों ना, भवरी देवी की पांचों बहुएं इतनी पतली थी मानो झाड़ू की सीख, तो वहीं भवरी देवी इतनी मोटी थी जैसे मानो कोई फूला हुआ गुब्बारा। जितना खाना उसकी पांचों बहुएं मिलकर खाती उतना ही भवरी देवी अकेले खा जाया करती। मोटी सास पतली बहुओं को मोटा करने की सोचती, तो पतली बहुएं मोटी सास को पतला करने की सोचती। एक रोज पांचों बहुएं किचन में खाना बनाने में लगी थी कि तभी बाहर से उनकी सास की आवाज आती है, अरे बहुओं आज की तारीख में खाना बनेगा या नहीं? अरे मेरे पेट में चूहे कबड्डी खेल रहे हैं। हाँ तो उन्हीं चूहों को खा जाओ ना, इनके पेट में तो हमेशा आग लगी रहती है, जैसे ठूसने के अलावा कोई काम ही ना हो। सही कह रही है बिंदिया, तू पांच बहुएं के आ गई घर में, अलग अलग फरमाइशें कर करके ठूसने का काम करती है बस। संजना दीदी जरा सब्जियां पकड़ा दो। सब्जियां हो तब ना पकड़ाऊं, सारी सब्जियां खत्म है। अपने आलस के चक्कर में सासू माँ बाजार भी तो नहीं गई है। हाँ तो बस दाल रोटी बनाकर परोस दो और क्या। सब्जी ना होने के चलते उसकी बहुएं खाने की प्लेट में दाल रोटी परोस कर उसके सामने रखती है, जिसे देखकर भवरी कहती है, ये अपना खाना मुझे क्यों परोस दिया तुम लोगों ने, कोई सब्जी क्यों नहीं बनाई? अब सब्जियां तो घर में थी नहीं, आप बाजार गई नहीं तो घर में जो होगा खाने को वही मिलेगा ना सासू माँ, और वैसे भी रोज तो स्वादिष्ट खाना खाती हो, आज ये दाल रोटी भी खा लो, इसी बहाने आपका ये फूला पेट थोड़ा अंदर हो जाएगा। अरे मैं बाजार नहीं गई तो तुम पांचों की पतली टांगों में कौन सी मेहंदी लगी हुई थी जो तुम में से भी एक भी नहीं गई? वाह सासू माँ, मतलब घर का काम हम पांचों कर ही रहे हैं, ऊपर से बाहर का काम का भी बोझ भी आप हम पे ही डालती जा रहे हो, काम के चक्कर में तो और पतली होती जा रही हूँ। अरे इससे ज्यादा भी तो क्या ही पतली होगी, हाँ विलुप्त जरूर हो सकती है। खैर छोड़ो, आज बाहर से खाना मंगवाते हैं, सास बहू मिलकर पकवान पेलेंगे। भव्य देवी ऑर्डर करके खाना मंगवाती है और कुछ ही देर में पांचों बहुओं के देखते ही देखते आधे से ज्यादा खाना चट कर जाती है और डकार मार कर कहती है, हाँ आज खाया है भरपेट खाना। सासू माँ आपने तो भरपेट खा लिया, लेकिन हमारा क्या, आपका ये बचा कुचा खाएंगे हम? अरे तुम पांचों खाती ही कितना हो, चिड़िया के दाने जितना, तुम्हारे लिए तो इतना ही बहुत है। चलो मैं चलती हूँ सोने, खाकर साफ सफाई कर लेना, और हाँ रोज रोज मैं ऐसे बाहर से खाना नहीं मंगवा सकती, तो कल बाजार से जाकर सब्जियां ले आना। इतना कहकर वो डकारते हुए कमरे में चली जाती है। समय बीतता है, एक रोज पांचों बहुएं अपनी सास के साथ खरीदारी करने निकलती है तो एक सूट की दुकान पर जाती है, जहां दुकानदार भारी भरकम भवरी को देखकर कहता है, जी आप यहां क्या लेने आई हैं? घुइयां 2 किलो तौल देना, शायद वही बिकता है यहां। कपड़े लेने आई हूं अपनी बहुओं के लिए। अच्छा बहुओं के लिए, शुक्र है। हाँ तो कहां है आपकी बहुएं, दिखाई नहीं दे रही? तभी पांचों एक एक करके अपनी सास के पीछे से आती है,
पांचों पतली बहुओं को देखकर दुकानदार हैरान रह जाता है और अपने मन में कहता है, भगवान तेरी कैसी माया, सास को भैंसी और बहुओं को सूखी लकड़ी बनाया। आपको हैरानी हो रही होगी ना, कोई नहीं, अक्सर लोगों को हो जाती है, हम पांच भी क्या करें, हमारी सास इतनी मोटी है कि इनके आगे हम पांचों दिखते ही नहीं। खैर आप हमारे साइज का सूट दिखा दीजिए। माफ कीजिएगा लेकिन आप लोगों को फिट आ सके ऐसे कपड़े नहीं है हमारे पास। हाँ तो मेरे लिए दिखा दीजिए। जी नहीं, इतने मोटे लोगों के लिए भी कपड़े नहीं हमारे पास। वो रहा दरवाजा, आप जा सकती हैं। एक मुफ्त की सलाह दूं, आप गुहियां ही बेचना शुरू कर दो। चलो बहुओं। भंवरी अपनी बहुओं को लेकर वहाँ से चली जाती है। समय बीतता है, सास बहुओं के बीच मोटे पतले होने को लेकर नोकझोंक चलती रहती। एक रोज उसकी बड़ी बहू संजना अचानक से चक्कर खाकर गिरती है तो सभी हैरान होते हैं। तभी भंवरी कहती है, हाय दैया क्या हो गया इसे अचानक, कहती हूँ कुछ खाया पिया करो, पर नहीं कमजोरी से ही चकरा गई होगी। सासू माँ आप अभी चुप रहिए, दीदी बेहोश हो गई है, डॉक्टर को कॉल करिए। अरे आए मेरा पेट। अब आपको फिर से भूख लग गई क्या सासू माँ, सिचुएशन तो देखा कीजिए। चुप कर नासपीटी, पेट में दर्द उठ गया है मेरे अचानक, खड़ी क्या है, डॉक्टर को फोन खड़का ले अब। तभी शीना डॉक्टर को कॉल करती है। कुछ देर में डॉक्टर आकर पहले संजना को चेक करता है और फिर भंवरी देवी को भी देखता है। उसी समय संजना होश में आती है तो सभी के पूछने पर डॉक्टर कहता है, संजना जी को चक्कर उनके प्रेग्नेंट होने की वजह से आए थे, यह एक महीने की प्रेग्नेंट है, लेकिन ज्यादा पतले होने के कारण आपको आपका शरीर कमजोर लगता है, इसलिए आगे कोई दिक्कत ना हो इसलिए आपको थोड़ा वेट गेन कर लेना चाहिए। देखा बहू, सूखी डंडी रहेगी तो तुझे और तेरे बच्चे को ही दिक्कत होगी, इसलिए खाने पीने पर खास ध्यान दे। और आप अपनी डाइटिंग में ध्यान दीजिए माता जी, आपको एसिडिटी होने की वजह से अचानक दर्द उठ गया, ऐसे ही आपका वजन बढ़ता रहा तो आपके मोटापे के चलते कई बीमारियां आपको घेर सकती हैं। बाकी मैं कुछ दवाइयां लिख रहा हूँ उनको लेते रहिएगा, और संजना जी आपको रूटीन चेकअप के लिए क्लिनिक आना ही पड़ेगा। जी डॉक्टर। डॉक्टर वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद भंवरी कहती है, कुपोषितो बात पल्ले पड़ी कि नहीं डॉक्टर की, अरे आज ये पेट से है कल को तुम लोग भी होगी, तो ऐसे पतलेपन के चलते कैसे अपने बच्चे को संभालोगी, सेहत पर ध्यान दो और मैं भी कल से पड़ोसन के साथ सुबह शाम पार्क में टहलने जाया करूंगी। इस तरह चारों बहुएं प्रेग्नेंट संजना के खाने पीने का ख्याल रखने के साथ साथ अपनी सेहत पर भी थोड़ा ध्यान देती है। तो वही उन पांचों की मोटी सास मोटापा कम करने के लिए सुबह शाम टहलने और व्यायाम का सहारा लेती है, साथ ही हिसाब से और पौष्टिक खाने पर ध्यान देती है। चांदी सुबह सुबह अपनी ननद निकिता के कमरे में जाती है तो वो देखते हैं कि निकिता पहले से ही सज धज कर तैयार बैठी है, जिसके बाद उसे देखकर जानवी बोलती है, अरे लड़के वालों के आने की इतनी एक्साइटमेंट है तुम्हें कि बिल्कुल टिप टॉप तैयार होकर बैठी हो। हाँ क्या भाभी, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो मैं बस कपड़े ट्राई करके देख रही थी और कुछ नहीं। सब पता है मुझे, 9 बजे सोकर उठने वाली लड़की आज 1 घंटा पहले ही तैयार होकर बैठी है, भला इससे ज्यादा खुशी की बात क्या होगी, और वैसे भी तुम्हें उठाने में जो मुझे कष्ट करना पड़ता था ना वो नहीं करना पड़ा आज। भाभी मैं सूट में अच्छी तो लग रही हूँ ना, या साड़ी पहन लूँ, बताओ ना। अरे शादी के बाद जिंदगी भर तुम्हें साड़ी ही तो पहननी है, सच कहूँ तो तुम बहुत प्यारी लग रही हो, जो भी देखेगा फ्लैट हो जाएगा तुम पर, चलो मैं किचन में जाती हूँ। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है और थोड़ी देर में आदित्य अपनी माँ गायत्री के साथ उनके घर आता है। निकिता उनके लिए चाय नाश्ता लेकर आती है और सभी बातचीत करके आदित्य और निकिता की शादी तय कर देते हैं, जिसके बाद जानवी किचन से सबके लिए मिठाइयाँ लेकर आती है और सबको देती है, जिसके बाद वो एक लड्डू लेकर आदित्य के पास जाती है और उसे प्यार से देखते हुए बोलती है, मुंह मीठा कीजिए होने वाले नंदोई जी। जी जी भाभी मैं लेता हूँ ना मिठाई। अपने हाथ से लेने की क्या जरूरत है, मेरे हाथों में कांटे लगे हैं क्या, इतने प्यार से खिला रही हूँ खा लीजिए। इतना कहकर वो बहुत ही प्यार से उसे अपने हाथ से मिठाई खिलाती है और उसका ऐसा बर्ताव देखकर आदित्य को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता। और कुछ ही दिनों में आदित्य और निकिता की धूमधाम से शादी हो जाती है। ऐसे ही 6 महीने का समय बीत जाता है और एक दिन निकिता अपनी माँ मालिनी को कॉल करके बोलती है, हेलो माँ कैसी हो आप,
अपनी तबीयत का ख्याल तो रखती हो ना? वो सब छोड़ने की तो ये बता, तू खुश तो है ना अपने ससुराल में? हाँ माँ, मैं बहुत खुश हूँ और सब मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन आप सबकी याद बहुत आती है। हाँ तो बेटा, एक बार आ जा दामाद जी के साथ, हम भी तुझे देख लेंगे इसी बहाने। ठीक है माँ, मैं आदित्य से बात करती हूँ। अच्छा माँ, अब मैं रखती हूँ। इतना कहकर वो कॉल कट कर देती है और अगले हफ्ते आदित्य के साथ कुछ दिन के लिए अपने मायके आती है। उसी समय जानवी और समीर भी घर लौटते हैं और निकिता आदित्य को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। तभी जानवी अपने मन में बोलती है, जिसका मुझे इंतजार था आखिर वो आ ही गया। इस शर्ट में आदित्य कितना हैंडसम और डैशिंग लग रहा है, कोई इतना अट्रैक्टिव कैसे हो सकता है। जानवी खुद से बातें करते हुए आदित्य की तरफ देख ही रही होती है कि तभी निकिता उसके पास आकर उसका हाथ पकड़ते हुए बोलती है, भाभी भाभी मैं इधर हूँ, आपका ध्यान कहाँ है? इतने दिनों बाद घर आई हूँ और आप मुझसे मिलने की जगह पता नहीं किन ख्यालों में खोई हो। अरे वो ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें क्या पता मैंने अपनी निकी को कितना मिस किया। हाँ ये तो है, जब भी खाना खाने बैठती तो यही बोलती थी, निकी होती तो ये कहती, ऐसे खाती, मेरी तारीफ करती और बहुत कुछ। बस बस सारी बातें यहीं कर लोगे क्या? अरे दामाद जी कब से खड़े हैं, उन्हें कोई चाय पानी भी पूछेगा या नहीं? अरे नंदोई जी, कितना इंतजार करवाया आपने, पर आखिरकार आप करीब आ ही गए। चलिए अब बैठने का भी कष्ट कीजिए। जी भाभी। जिसके बाद सब आपस में बातें करने लगते हैं और जानवी किचन में जाने लगती है। आदित्य के पास से गुजरते हुए वो उसके हाथ को प्यार से टच करके मुस्कुराती हुई निकल जाती है और आदित्य खुद से बोलता है, ये क्या था, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये मुझ पर लाइन मार रही है? लगा नहीं आदि, ये सच में लाइन मार ही रही है। उस दिन भी तो कैसे प्यार से मिठाई खिला रही थी। नहीं नहीं कुछ भी मत सोच पागल। इतना कहकर वो अपने आप को समझा लेता है। ऐसे ही दिन बीतते हैं और एक दिन जानवी निकिता के कमरे में जाती है तो देखती है कि निकिता अपनी साड़ियों को अलमारी में लगा रही है। तभी जानवी उसके पास आकर बोलती है, क्या बात है निकी, तुम्हारे पास तो कितनी सुंदर सुंदर साड़ियाँ हैं, जरा मैं भी तो देखूं। हाँ हाँ क्यों नहीं भाभी, देखिए ना ये सारी साड़ियाँ आदि ने मुझे दिलवाई हैं, वो भी अपनी पसंद से। क्या बात है, नंदोई जी की पसंद तो बड़ी लाजवाब है। निकी तुझे बुरा ना लगे तो एक दो साड़ी मैं ले लूँ। भाभी आप भी ना, इसमें पूछने वाली तो कोई बात ही नहीं है, आपको जो पसंद है आप ले जाइए, वैसे भी इतनी सारी है मेरे पास, ये वाली आप पर खूब जचेगी। इतना कहकर निकिता उसे अपनी कुछ साड़ियाँ दे देती है और जानवी उन्हीं में से एक साड़ी पहनकर किचन में काम करने लगती है कि तभी आदित्य किचन के सामने से जाते हुए जानवी को पीछे से देखकर निकिता समझता है और दाएं बाएं देखकर उसे पीछे से गले लगाकर बोलता है, यार निकी जब से यहाँ आई हो मुझे तो तुम भूल ही गई हो। अरे मैं तुम्हारा पति हूँ, मायके में थोड़ा ध्यान मेरा भी रख लो। चलो ना आज हम डिनर करने बाहर चलते हैं, क्या कहती हो? आइडिया तो बहुत अच्छा है नंदोई जी, मुझे कोई परेशानी नहीं है। ये सुनकर वो झटके से पीछे हटते हुए बोलता है, भाभी आप, मैं आपको निकी समझ बैठा, सॉरी। क्या आप भी सॉरी क्यों बोल रहे हैं? अरे मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा और वैसे भी आप गलती से ही सही लेकिन मेरे करीब तो आए। जानवी बोल ही रही होती है कि तभी निकिता वहाँ आती है और बोलती है, क्या हुआ इतना सन्नाटा क्यों है? आदि क्या हुआ, आपको इतने पसीने क्यों आ रहे हैं? किचन में ज्यादा गर्मी लग रही है क्या आपको? नहीं नहीं पसीने तो इन्हें डर के मारे आ रहे हैं। हे भगवान, अभी जो मैंने अनजाने में किया कहीं ये निकी को ना बता दे, अगर ऐसा हुआ तो निकी मुझे ही गलत समझेगी। अरे वो आज मैंने तुम्हारी साड़ी पहन ली थी ना, तो इसी चक्कर में नंदोई जी को धोखा हो गया। मैं किचन में काम कर रही थी तो ये पीछे से आ गए, ये मुझे तुम्हें समझ के गले ही लगा लेते, वो तो मैं अचानक से पीछे मुड़ गई। अच्छा इतनी सी बात, आदि आपकी जगह कोई और भी होता ना तो उसे भी धोखा हो जाता। आप कमरे में जाइए, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। इसके बाद आदित्य वहाँ से जाने लगता है और जानवी उसे मुस्कुराकर देखती रहती है। और रात को जब सब खाना खाकर अपने कमरे में चले जाते हैं तो आदित्य निकिता से बोलता है, निकी मैं तुमसे कुछ कहूँ तो तुम मेरी बातों पर यकीन तो करोगी ना? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, आपका यकीन नहीं करूँगी तो किसका करूँगी? हाँ निकी मुझे लगता है कि तुम्हारी भाभी मुझ पर लाइन मारती है,
मतलब उनके मुझे अजीब तरह से देखने से और बिहेवियर से मुझे ऐसा फील होता है। और तुम्हें पता है, आज सच में मैंने उन्हें तुम्हें समझकर गले लगा लिया था और उन्होंने कुछ कहा भी नहीं। आदि आप भी ना, आपको पता है भाभी का नेचर बहुत फ्रेंडली है। मैं नहीं मानती कि वो ऐसा कुछ सोच या कर सकती हैं। और मुझे अच्छा लगा कि आपने आज की बात के बारे में मुझे सब बता दिया। पर आदि ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे भाभी पर पूरा ट्रस्ट है। आप ये सब बेकार की बातें मत सोचिए। निकिता को आदित्य की बातों का विश्वास नहीं होता और वो भी उससे कुछ ज्यादा नहीं कहता और दोनों सो जाते हैं। ऐसे ही दिन बीतते हैं। जानवी ऐसे ही आदित्य के करीब आने के बहाने ढूंढती रहती और एक दिन वो किसी बहाने से निकिता के कमरे में जाती है और वहाँ आदित्य को अकेला पाकर उससे बोलती है, आप यहाँ अकेले बैठकर बोर तो नहीं हो रहे ना? आप यहाँ निकी से कुछ काम था क्या? अरे ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो यहाँ आपसे कुछ कहने आई थी, उम्मीद है कि आप जरूर समझेंगे। इतना कहकर वो उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है, मुझे लगता है आदित्य कि मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। पता नहीं पर मेरे दिल में तुम्हें लेकर बहुत सारी फीलिंग्स है, सच कह रही हूँ। ये सब तो मुझे आपके रवैये से ही पता चल गया था, लेकिन आप जैसा सोच रही हैं वो किसी भी तरह से ठीक नहीं है। और मेरी मानिए तो आपको अपनी सीमाएं पार नहीं करनी चाहिए। अब आप यहाँ से जा सकती हैं। उसकी बातों से गुस्सा होकर जानवी वहाँ से चली जाती है। तभी आदित्य अपना और निकिता का सामान लेकर वहाँ से जाने लगता है और उसे ऐसे जाता देखकर सभी लोग हॉल में आते हैं और समीर बोलता है, क्या हुआ जीजा जी, ससुराल की खातिरदारी पसंद नहीं आई क्या जो ऐसे घर से जा रहे हो? निकिता चलो, मुझे लगता है अब घर जाना ही बेहतर होगा। पर आदि ऐसे अचानक से, बात क्या है ये तो बताइए। आदित्य से सारे जाने का कारण पूछने लगते हैं और वो भी सबको सच बताता है और उसकी बातें सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। तभी जानवी अपने आप को बचाने के लिए रोते हुए बोलती है, मैं कभी सोच भी नहीं सकती कि आप मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम लगा सकते हैं। निकिता, भला मैं इनसे ऐसा क्यों कहने लगी? मैंने इनसे ऐसा कुछ नहीं कहा। हाँ जीजा जी, माना जानवी सबसे हंस खेल कर बात करती है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है जो आप कह रहे हैं वो सच है। जानवी के आंसू देखकर सब आदित्य को ही कसूरवार ठहराते हैं, लेकिन आदित्य कुछ बोले बिना ही सबकी सुनता रहता है। तभी निकिता उसकी तरफ देखते हुए बोलती है, बस कीजिए आप लोग, आप सबको भाभी ही सही लग रही है, लेकिन जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो, क्योंकि आदि ने मुझे ये बात पहले भी बताई थी, तब मैंने भी आप लोगों के जैसा ही रिएक्ट किया था। पर अब लगता है कि आदि गलत नहीं है, क्योंकि वो ऐसे यहाँ से जाने की बात नहीं कर सकते। पर निक्की, नहीं भैया, जैसे आपको भाभी पर यकीन है वैसे मुझे आदि पर यकीन है। अच्छा माँ, मैं चलती हूँ। और भाभी, मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि जब अगली बार मैं यहाँ आऊँ तो आप सुधर चुकी हो। इतना कहकर वो आदित्य के साथ अपने मायके से चली जाती है और वो तीनों उसे खड़े देखते रह जाते हैं। जया काफी गुस्से में लाल आंखें लेकर आदित्य के ऑफिस जाती है और वो ऑफिस के गेट के की होल से देखती है कि आदित्य और रोशनी एक सोफे पर बैठकर एक दूसरे को किस कर रहे हैं। ये देखकर जया का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है और वो तेजी से आदित्य के ऑफिस के गेट पर दस्तक देती है। गेट पर दस्तक की आवाज सुनकर रोशनी और आदित्य दोनों घबरा जाते हैं और ना चाहते हुए भी आदित्य हिम्मत करके गेट खोल ही देता है। और गेट खोलते ही जया आदित्य को एक जोरदार थप्पड़ मारती है। ये सब देखकर रोशनी के तो पसीने छूटने लगते हैं और जया खुद को गुस्से में भरकर चिल्लाकर बोलती है, मेरी तो किस्मत ही खराब थी जो मैंने तुम जैसे धोखेबाज और मक्कार आदमी से शादी कर ली। ये सब देखने से पहले मुझे जहर खा लेना चाहिए था। आदित्य मुंबई में एक फिल्म डायरेक्टर है, वो फिल्म में काम देने के बहाने लड़कियों का इस्तेमाल करके उन्हें छोड़ देता है। और इधर दूसरी तरफ जया बड़े ऑफिसर की बेटी थी, जया की मर्जी के खिलाफ उसकी शादी आदित्य से करवा दी जाती है और आदित्य ने भी अपने फायदे और दहेज के लिए ये शादी की थी। फिर जया ने भी आदित्य को ही अपनी जिंदगी की सच्चाई मानकर उसे प्यार करना शुरू कर दिया था। यूं ही दिन गुजरते गए और आदित्य का जया से मन भर गया और वो जया से दूर दूर रहने लगा।
और उसी के मौके तलाशने वो कभी मीटिंग का बहाना करता तो कभी नाइट शूट का हवाला देता। एक दिन रात को खूब सच सवर कर जया आदित्य के करीब आती है और उसे लिपट कर कहती है, जानू इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? बेबी कुछ नहीं, ऑफिस में थोड़ा काम है। आज तो रुक जाओ, आज हमारी शादी की पहली सालगिरह है। जया मैं ऑफिस का काम जल्दी ही खत्म करके आ जाऊंगा, पक्का, आई प्रॉमिस। देखो आदित्य, तुम्हें आज तो आना ही पड़ेगा, आज कोई बहाना नहीं चलेगा। अरे हाँ बाबा, आ जाऊंगा मैं टाइम पर। आदित्य घर से जा ही रहा होता है कि जया उससे पहले ही जाकर दरवाजा बंद कर देती है और कहती है, आज तो ऐसे नहीं जाने दूंगी। जया ये क्या बचकानी हरकतें हैं? ये बचकानी हरकतें नहीं, जवानी की हरकतें हैं। अगर तुम्हें जाना है तो पहले मुझे गले लगाओ और एक किस करो। आदित्य आगे बढ़कर जया के होठों पर किस करता है और वहाँ से चला जाता है। काफी देर हो जाती है और रात के 11 बजे होते हैं, मगर आदित्य अभी तक नहीं आया होता। जया थोड़ा और इंतजार करती है लेकिन फिर भी आदित्य नहीं आता। जया परेशान हो जाती है और आदित्य को कॉल करती है। वहाँ आदित्य का फोन रिंग होता है मगर वो जानबूझकर फोन नहीं उठाता और उसकी गर्लफ्रेंड रोशनी पूछती है, कौन है ये जो इस वक्त परेशान कर रही है आपको? और कौन होगी, मेरी बीवी जया है ये। आज हमारी शादी की पहली सालगिरह है, इसीलिए इतना बेचैन हो रही है। तुम फिक्र मत करो मेरी जान, आज की रात मैं तुम्हारे साथ ही बिताऊंगा। अच्छा, ऐसी भी क्या खूबी है इसमें जो आपकी बीवी में नहीं है? ये नशीली आँखें, ब्लशी स्माइल, क्यूट सा फेस कट। आदित्य अपनी बात पूरी कर भी नहीं पाया था कि फिर से जया का कॉल आता है और हर बार की तरह इस बार भी आदित्य ने जया का कॉल कट कर दिया। कुछ ही पलों में फोन दोबारा बज उठता है और इस बार रोशनी ने फोन स्विच ऑफ कर दिया और बोला, आदित्य जी आज की इस रोमांटिक नाइट में कोई भी दखल अंदाजी नहीं होगी। वेल डन रोशनी, अब हमारे और हमारी इस हसीन रात के बीच कोई नहीं आने वाला। आदित्य और रोशनी रोमांस कर रहे होते हैं और इधर दूसरी तरफ जया अपने पति के साथ एक रोमांटिक रात बिताने के लिए बेताब हो रही थी। वो काफी देर से आदित्य को कॉल कर रही थी मगर कॉल लग ही नहीं रहा था। जया के सब्र का बांध आखिरकार टूट ही जाता है और उसे मन ही मन काफी गुस्सा आता है। जया काफी गुस्से में लाल आंखें लेकर आदित्य के ऑफिस जाती है और वो ऑफिस के गेट के की होल से देखती है कि आदित्य और रोशनी एक सोफे पर बैठकर एक दूसरे को किस कर रहे हैं। ये देखकर जया का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है और वो तेजी से आदित्य के ऑफिस के गेट पर दस्तक करती है। गेट पर दस्तक की आवाज सुनकर रोशनी और आदित्य दोनों घबरा जाते हैं और ना चाहते हुए भी आदित्य को हिम्मत करके गेट खोलना ही पड़ता है और गेट खोलते के साथ जया आदित्य को एक जोरदार तमाचा मारती है। ये सब देखकर रोशनी के पसीने छूटने लगते हैं और जया खुद को गुस्से में भरकर चिल्लाकर बोलती है, मेरी तो किस्मत ही खराब थी जो मैंने तुम जैसे धोखेबाज और मक्कार आदमी से शादी कर ली। ये सब देखने से पहले मुझे जहर खा लेना चाहिए था। जया ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम समझ रही हो। आदित्य मैं बिल्कुल सही समझ रही हूँ, तुम दोनों का चक्कर कब से चल रहा है? जया कोई भी चक्कर नहीं चल रहा, मैं बस ऑफिस की मीटिंग से फ्री हुआ हूँ, बट मुझे कल एक फिल्म की शूटिंग के लिए जाना है और रोशनी उस फिल्म की हीरोइन है। मैं उसको सिखा रहा हूँ कि कैसे एक्टिंग करनी है और कैसे एक्सप्रेशन देने हैं। रोशनी भी आदित्य का साथ देते हुए बोलती है, जया मैम आप गलत समझ रही हैं। वो तो कल एक बहुत इम्पोर्टेंट सीन की शूटिंग करनी थी, इसलिए सर से मैं एक्टिंग सीख रही थी। वो मुझे ढंग से समझाने के लिए एक्ट करके दिखा रहे थे। बस बस तुम दोनों मुझे मत सिखाओ, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ जिसे तुम कुछ भी कहोगे और वो सच मान लेगी। तुम लोगों को पता है मैं आदित्य जी के लिए कितनी परेशान थी। मैम देखिए आप गलत समझ रही हैं, आपको गलत फहमी हो रही है। आप जैसा सोच रही हैं वैसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको फिर भी यकीन नहीं होता तो आप स्क्रिप्ट पढ़ के देख लीजिए ना फिल्म की। आदित्य हड़बड़ी में एक लव स्टोरी वाली फिल्म की स्क्रिप्ट निकालता है और जया को दिखाता है और जया बिना देखे ही आदित्य से कहती है, देखो आदित्य मैं साफ साफ कह रही हूँ एक ही रजाई में दो लुगाई नहीं रह सकती, किसी एक को चुनो इसी वक्त, मी और शी। आदित्य तो जैसे ही धर्म संकट में ही फंस जाता है, उसे किसी एक को चुनना था। अगर वो जया को छोड़ देता
तो जया के पिता से मिलने वाले फायदे भी छूट जाते और अगर वो रोशनी को छोड़ देता तो उसकी हवस छूट जाती। लेकिन उसे दोनों में से किसी एक को चुनना था और ना चाहते हुए भी उसे रोशनी को छोड़ना ही पड़ता है। और आदित्य बोलता है, रोशनी तुम्हें जाना होगा इसी वक्त इस प्रोडक्शन हाउस से, जब तक मैं कुछ ठीक नहीं कर देता। अभी आदित्य ने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी और रोशनी उसे अनसुना करके चले गई, बिल्कुल एक फिसलते हुए रेत की तरह। साथ ही साथ जया भी बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। दोनों के जाते ही आदित्य काफी परेशान हो गया क्योंकि उसने खुद ही अपने दोनों पैरों पर एक साथ कुल्हाड़ी मारी थी। इधर जया को अब भी रोमांटिक नाइट की बेताबी हो रही थी और उसने आदित्य को कॉल किया और घर बुला लिया, जिसके बाद जया बोलती है, देखो आदित्य अब तो मान जाओ मुझसे गलती हो गई, वो मैं काफी गुस्से में थी। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, सारा कसूर तो मेरा ही था, मैं ही तुम्हें नहीं समझ पाया। छोड़ो इन पुरानी बातों को, चलो मिलकर एक नई रात की शुरुआत करते हैं। आदित्य इस घटना को जल्दी भूल गया और जया के साथ रोमांस करने लगा। वो रोमांस तो जया के साथ कर रहा था मगर उसका दिलो दिमाग अभी भी रोशनी पर था। अफसोस, रोशनी भी अब उससे प्यार करने लगी थी। आदित्य अगले दिन सुबह उठा और तैयार होकर निकल पड़ा रोशनी की तलाश में, लेकिन वो तो मुंबई छोड़कर जा चुकी थी। और फाइनली जया ने एक रजाई में दो लुगाई रहने नहीं दी। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।